Sorry, what did you say? वेल विवेक, एक बार फिर से सॉरी तो आपको बोलना ही पड़ेगा सलमान खान को। जी हाँ, एक बार फिर अपनी नादानी की वजह से फंस गए हैं बेचारे विवेक ओबेरॉय। एंड वंस अगेन ही हैज मैनेज्ड टू गेट सम लाइमलाइट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप सब हैरान हो गए होंगे कि आखिर क्या है वो गलती जो फिर दोहरा दी है विवेक ओबेरॉय ने। आजकल जहाँ सलमान की शादी को लेकर मचा हुआ है हो हल्ला, वहीं जब इन जनाब से पूछा गया सलमान की बैचलरहुड के बारे में, तो ने कुछ यूं एक बार फिर कर दी नादानी स्मार्ट बनने के चक्कर में। सॉरी, व्हाट डिड यू से? सलमान खान एलिजिबल बैचलर। विवेक, आखिर माजरा क्या है भाई? कभी आप सलमान से माफी मांगते फिरते हैं और जब बात नहीं बन पाती तो फिर से आ जाते हैं अपने ही कैरेक्टर में। ये तो पक्की बात है कि अब की बार आपको कोई नहीं बचा सकता सलमान के गुस्से से। हमारे विवेक साहब यही नहीं रुके, उन्होंने सलमान के क्वेश्चन पर दे दी एक वियर्ड सी स्माइल और फिर रिपोर्टर से कह दिया कुछ ऐसा, आई लाइक व्हाट यू वेयरिंग, आई लाइक व्हाट यू वेयरिंग। विवेक, हम भी आपकी कुछ इसी तरह तारीफ कर ही देते कि आप लग रहे हैं अच्छे, या फिर यही कह देते that we like what you're wearing। पर क्या करें, आपने सलमान के मुद्दे पर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है कि हम तो भूल ही नहीं पा रहे हैं। वैसे अगर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दिया जाए कि आपको नहीं सुनाई पड़ा रिपोर्टर का सवाल, फिर ये कैसे हो गया कि आपने बाकी सवालों का सही सही लंबा चौड़ा जवाब दे दिया? एग्जाम्पल के तौर पर ये, रोहित और राहुल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफी समय से मेरे सारे सूट्स जैकेट्स, आज जो जैकेट मैंने पहनी है ये भी इन्होंने ही डिजाइन की है। मुझे इनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, आई थिंक दे वेरी कूल स्मार्ट एट द सेम टाइम रिलैक्स्ड एंड कैजुअल, तो मेरे पर्सनल स्टाइल को बहुत सूट करता है। और फिर ये भी, मुझे यहाँ तक आना पड़ा क्योंकि दे सेड कि मैं इन्हें एक्चुअली 2-3 सालों से तंग कर रहा हूँ कि मुंबई में स्टोर खोलो, क्योंकि हर समय जब मुझे अपना सूट बनवाना होता है या शर्ट्स मंगवाने होते हैं, जैकेट्स मंगवाने होते हैं, तो मुझे इनको फोन करके दिल्ली से सामान मंगवाना पड़ता है। हाँ भाई विवेक, आप तो सभी को परेशान ही करते आए हैं, ये हम तो नहीं कह रहे बल्कि ये तो आप ही की हिस्ट्री बता रही है। चलिए विवेक, लेट्स गिव यू अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ। ऐसा करिए कि अपनी आने वाली फिल्म क्रिश के सीक्वल के बारे में ही बताइए। अरे ये क्या फिर से? वैसे अगर आप कुछ इसी तरह अपनी बोलती बंद रखते सलमान को लेकर, तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। क्यों, सही कहा ना हमने विवेक? कभी और ये सारी बातें करेंगे, कभी और ये सारी बातें करेंगे। ओके विवेक, एज यू विश। हमारे पास बात करने के लिए वैसे भी डीनो है, हु आल्सो केम एट द सेम स्टॉल लॉन्च, बट मुश्किल की बात तो ये है कि डीनो भी कुछ ऐसे ही मूड में थे जब हमने इनसे पूछा इनके सिंगलहुड के बारे में। दिस इज हाउ डीनो रिप्लाई। जवाब देने का मन करता है लेकिन अभी तो इस वक्त नहीं दे सकता हूँ। ओह, सो शुड वी अज्यूम कि कोई है आपकी लाइफ में? ये एक मिस्ट्री है, एक राज की बात, अगर राज खुल जाए तो सबको पता नहीं चलना चाहिए एक्चुअली। फॉर मृणाली भाटकर, जूम मुंबई।